तो गाइज़ यार, अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया और वो मेरे से यही पूछ रहे थे कि यार GTA 5 को हम अपने कंप्यूटर पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर न्यू गेमर्स को समझ नहीं आती कि यार गेम को अगर हमने डाउनलोड करना है या परचेज करना है तो वो हम कहाँ से करें, PC पे। तो यार आज मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सी मोटी मोटी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप GTA 5 भी और बाकी गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको GTA 5 का डिस्क एडिशन नहीं लेना चाहिए 2023 के अंदर। ऑल्दो मेरे पास है, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको क्यों वो नहीं खरीदनी चाहिए। अगर तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। ओके, तो गाइस यार मैं अब आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर और मैं अब आपको बताऊंगा कि आप GTA 5 कहाँ कहाँ से परचेज कर सकते हो। यार मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि यार कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप गेम खरीद सकते हो। बस आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, मतलब एक डेबिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, फिर आप आराम से गेम को खरीद पाओगे। तो यार सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्टीम वाला तरीका। अब स्टीम वाला तरीका आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो यार आपको स्टीम इंस्टॉल कर लेना है और अकाउंट बना लेना है। अकाउंट वगैरह बना लोगे तो गैस यार आपको जाना है यहाँ पे स्टीम के ऐप के अंदर और स्टोर पे चले जाना है। आपने यहाँ पे सर्च करना है GTA 5 और मतलब ऐसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो भी पूरा लिखना है, फिर ही आएगी वरना नहीं आएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हो यार इन्होंने ब्लर की हुई है, पता नहीं क्यों की हुई है। अब गैस आप आ चुके हो स्टोर पे GTA 5 के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने गेम को ऐड टू कार्ट करना है। अब यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों नहीं ऑप्शन आ रही गेम की, यहाँ पे आ रही है बाय शार्क कार्ड्स। अब मैं यहाँ पे वैसे कोई ना कोई मतलब कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला कर देता हूँ, ऐड टू कार्ड कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी मुझे ऑप्शन नहीं आई है GTA 5 खरीदने की, अभी उसके कुछ शार्क कार्ड्स वगैरह की जो है ना मुझे ऑप्शन आई है परचेज करने की, जो कि मैंने तो नहीं करना है भाई। यहाँ पर यार आपको ऑप्शन आ जाएगी GTA 5 की, अगर यहाँ पर नहीं आ रही यार, जैसे अभी मुझे नहीं आ रही थी GTA 5 की ऑप्शन, तो आपने चले जाना है एपिक गेम्स पर। आप एपिक गेम्स पर जाओगे तो यार आपने इधर भी सर्च करना है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। जैसे कि आप देख सकते हो यार मेरे सामने है इस टाइम GTA 5 एपिक गेम्स के अंदर। अब ये गेम मैंने उसी टाइम खरीद ली थी जब ये फ्री हुई थी कोरोना के दिनों के अंदर, तो ये मेरे पास पहले से ही है। लेकिन अगर आपको भी खरीदनी है तो यार यहाँ पे भी बाय नाउ की ऑप्शन आएगी, आपने बाय करना है वही मास्टर कार्ड वीजा के डेबिट कार्ड की मदद से, और वो गेम भी फिर आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगी, जैसे कि मेरी लाइब्रेरी में भी आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे कि आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे आ गई मेरी लाइब्रेरी में भी GTA 5 आ गई, और यहाँ से आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। अब तीसरा तरीका है रॉकस्टार गेम्स का लॉन्चर, और ये रहा रॉकस्टार गेम्स का लॉन्चर। इस टाइम आप देख सकते हो कि GTA 5 आप गाइस GTA 5 आप रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर से भी खरीद सकते हो। अभी पता नहीं क्यों मुझे ये फीचर नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास आ रहा होगा ये ज़रूर से। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो यार मैं तो कहूँगा कि आप एपिक गेम से ही खरीद लो। और चौथा तरीका है कि आप GTA 5 की 7 DVDs खरीद लो। यार अब मैं वो रिकमेंड आपको नहीं करूँगा, उसकी वजह यह है कि एक तो यार उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्लिचेज हैं, और मतलब बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि क्लीन इंस्टॉल होगी गेम, बिल्कुल वैसा नहीं होगा। मतलब एकदम एरर्स आएंगे, कभी ग्लिच हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो यार मैं आपको कहूँगा कि आप GTA 5 की 7 DVD एडिशन ना ही खरीदो, ऑनलाइन खरीद लो और ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लो। और गाइज अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है या हेल्पफुल लगी है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर। सो गाइज गुड बाय एंड पीस आउट। I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have.